Hello student, Hemant sir is here. So today we will continue with the dew point and humidity of our chapter called heat. Okay, so what is dew point and humidity? Before going to understand this concept, we have to understand something more about the atmosphere and the humidity of our air. Okay, so we know the 71% or more than 71% of the earth surface is covered by water. Due to our earth is covered by water, the evaporation process takes place continuously. That's why our air contain water vapors in it. हमारे air में water vapors contain होते हैं क्योंकि water का evaporation continuously होते रहता है. क्योंकि वाटर जब इवेपोरेट होता है सो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है द स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट दैट इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर दे प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड दे मेक द एयर मॉइस्ट और वो हमारे जो एयर है उसको क्या करते हैं मॉइस्ट करते हैं. ओके सो आवर एयर हैव एबिलिटी टू कंटेन वाटर एंड इट इज लिमिटेड लाइक सपोज we have the temperature of our air is 40 degree Celsius. Okay, so at 40 degree Celsius the air can contain about at 40 degree Celsius the air can contain 49 gram of water vapors in it. It contain only 49 gram of water. If the temperature is decreased up to 20 degrees Celsius, then the air can contain only 14.7 gram of water. So it is the capacity of air to contain water vapors in it. That capacity of the air can be decreased or increased by changing in temperature. Okay. So, अगर हम हमारे surrounding का temperature को decrease किया और उस टेम्परेचर पर लेकर आए जहां पर हमारी एयर वाटर वेपर से सैचुरेट होती है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट. लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सपोज दिस इज द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर. यहां पर क्या है एयर कितना है अबाउट 1 kg ऑफ एयर. ओके और सपोज यहां का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस का है. सो 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एयर कैन कंटेन 49 ग्राम ऑफ वाटर. कितना 49 ग्राम ऑफ H2O कैन कंटेन. ओके हमारा जो एयर है वो इस टेम्परेचर पर 49 ग्राम ऑफ वाटर को कंटेन कर सकता है. बट अगर हमने टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया अप टू 20 डिग्री सेल्सियस then air can contain only 14.7 gram of water. It is 14.7 gram of water can air contain. Okay, suppose अब यहां की जो air है यहां पर जो air है और यहां पर जो water के droplet present है अगर air saturate हो जाती है that means air can contain 100%. सी अगर हम बात करें 40 डिग्री सेल्सियस की और इतने वॉल्यूम में नहीं हमारे 1 लीटर ऑफ एयर में अगर 49 ग्राम ऑफ वाटर है दैट मींस आवर एयर इज सैचुरेट. ओके अगर हमने किसी एरिया की एयर को ले लिया और उसका हमने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया और जब टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे और हमारे एयर में जो वाटर कंटेंट है वो 100% अगर हो जाता है तो हम उसको कहेंगे एयर इज सैचुरेटेड. द एयर इज सैचुरेटेड विथ वेपर्स. ओके विथ वन द वाटर वेपर्स. अब अगर हमने टेम्परेचर को और रिड्यूस किया देन यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो एक्सीड हो जाएंगे. सो द एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स विल कंडेंस टू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके इफ द लिमिट ऑफ वाटर वेपर increases in our surrounding then the excess water molecule will condense into the liquid form. Okay, this process is nothing but the condensation of water. Generally in winter season में आपने देखा होगा कि fog बहुत ज्यादा दिखता है तो उस समय हमारे surrounding का temperature क्या होता है reduce होता है
So due to reduction in temperature, the water vapors in our atmosphere get exceed. वो कैसा होता है, सेचुरेट से ऊपर हो जाती है हमारे एयर, यानी वहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्सीड हो जाएंगे. सो दैट एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल विल कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म एंड दे फॉल्स डाउन ऑन द सरफेस. ओके, सो दिस इज द वे हाउ द ड्यू पॉइंट वर्क्स. ओके, सो अब हम ड्यू पॉइंट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. सो ड्यू पॉइंट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच द एयर ऑफ द any container becomes saturated with water vapor, that temperature is called as dew point temperature. Okay, and the water vapor present in our air or in surrounding is nothing but the humidity. What is humidity? The air present in surrounding, the water vapors present in air is called as its humidity, because the air में जो वाटर कंटेन होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, ह्यूमिड करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी. ओके, सो दिस टू इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट व्हाट इज द एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द एयर कैन कंटेन 49 ग्राम ऑफ वाटर एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस द एयर कैन कंटेन 14.7 ग्राम ऑफ वाटर. Okay, so write down these two information is very important. Now we will understand the relative humidity. So what is relative humidity? So relative humidity is nothing but it is the ratio of the amount of water present in the given volume of air divided by the amount of water which is needed to make the air saturate into 100 is called as relative humidity. It is always measured in percentage. So we have to write the formula for relative humidity. We can calculate relative humidity by using this formula. So what is formula? The relative humidity is the mass of water vapor present in given volume of air divided by the mass of water vapor needed to make air saturate into 100. This is the formula for relative humidity. Suppose if the relative humidity is 100%, we have to write condition number one. If relative humidity is 100%, then अगर relative humidity कैसी है, 100% है, then we will say the air is saturated with water vapor. The air is saturated with water vapors. Number two, if relative humidity is 60% or se jyada hai, then air will be humid. Then air is humid. If relative humidity
is 60% or more. If 60% से कम है is less than 60%, ओके, या फिर हम यहां पर लिख देंगे इट इज लेस देन 60% और यहां पर ग्रेटर देन 60%. इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 60%, हम वर्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा, इज ग्रेटर देन 60%. यहां पर आ जाएगा ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, देन द एयर इज ड्राई, द एयर इज ड्राई. ओके, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने सॉल्व किया, अगर वो 100% आती है दैट मीन्स अवर एयर इज सेचुरेट विथ वॉटर वेपर्स. इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 60% और मोर देन 60%, देन वी विल से द एयर इज ह्यूमिड. इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, देन वी विल से द एयर इज ड्राई. ओके, सो दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू नोट डाउन. सो राइट डाउन नाउ. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी समझ में आ गई होगी. ओके, सो अगर समझ में नहीं आया सो प्लीज इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिए. ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने लिखवा कर दिए हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर द ड्यू पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ ड्यू पॉइंट, देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर, सेचुरेट एयर, अनसेचुरेट एयर, एंड विच वन दिस इज द ड्राई एयर. ड्राई एयर, ह्यूमिड, सेचुरेट एयर, ये आपको याद रखना है. ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.